नमस्कार दोस्तों, श्राद्धे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2023 में सात मूलांक पे जो बच्चे पैदा होंगे उनके मूलांक का स्वामी क्या होगा, उनका कौन सा भाग्यांक बनेगा और उसका स्वामी क्या होगा। साथ में इसके ये भी बात करेंगे उनका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और माता पिता के लिए वो कितने शुभ होंगे, कैसा आगे का भविष्य रहेगा, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। मित्रों, जब किसी के घर में नई संतान आती है तो घर में एक खुशी का माहौल होता है। वर्तमान युग में विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि लोग मनचाहे डेट और समय पर भी बच्चों का जन्म कराते हैं। कई बार डॉक्टर सिजेरियन बोलते हैं तो लोगों के मन में एक दुख होता है कि कहीं ऑपरेशन की समस्या के कारण जच्चा बच्चा को कोई पीड़ा ना हो, लेकिन उसी समय एक अवसर होता है कि आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी डेट और एक अच्छा टाइम निकलवा सकते हैं जिसमें मूल ना हो, मांगलिक ना हो, अच्छे राजयोग हो। इस वीडियो में हम अंक ज्योतिष के संबंध में पूरी चर्चा करेंगे। आइए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। जो बच्चे मई महीने के 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को पैदा होंगे उन सभी लोगों का सात मूलांक होगा। सात का स्वामी केतु को माना जाता है। भाग्यांक की बात की जाए तो एक भाग्यांक प्राप्त होगा जिसका स्वामी सूर्य होगा। ज्योतिष के आधार पर देखा जाए तो एक और सात में ज़्यादा लगाव नहीं है। एक अर्थों में देखा जाए ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो क्या इसका प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ने वाला है, अब इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जब भाग्यांक और मूलांक एक दूसरे से टैली नहीं करते हैं तो ऐसे जातक को जीवन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके किसी कार्य में सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि भाग्यांक उसका उतना सहयोग नहीं करता है। साथ में परिवार के साथ वो सामंजस्य या वो सहयोग इनको नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। कई बार तो हमने देखा है कि जब ये जन्म लेते हैं तो घर में थोड़ा सा माहौल विवाद या किसी की हेल्थ वाइज समस्या का आधार बना रहता है। सात मतलब केतु से इसको जोड़कर देखा जाए तो जो बच्चे सात में जन्म लेते हैं उनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। ये बच्चे शुरू में थोड़ा दुबले पतले होते हैं या जन्म के बाद दुबले पतले होते हैं। कई बार इनको मौसमी जो बीमारियां होती हैं, जिनको इन्फेक्शन कहा जाए, जिसको वायरल कहा जाए, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है। चेस्ट कंजेशन या पेट में कीड़े पड़ना, इस तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। यहीं पर जब भाग्यांक सूर्य से प्रभावित हो, अर्थात एक से प्रभावित हो, तो ऐसे लोगों के पिता नामचीन होते हैं। अगर पिता नहीं नामचीन होते हैं तो घर में जरूर कोई न कोई व्यक्ति होता है जिसको सम्मान मिलता है या सरकारी नौकरी से जुड़ा रहता है या खजाने से पैसा आता है, राजनीति से जुड़ा होता है, मेडिकल से जुड़ा होता है, केमिकल से संबंधित कोई न कोई कार्य करने वाला होता है। अगर हम बात करते हैं कि इनके जन्म से माता पिता को लाभ कैसा होता है, सात अंक अध्यात्म का अंक है। जरूर आपने कोई तपस्या की होगी पूर्व जन्म में या आपने कुछ शुभ कार्य किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये संतान प्राप्त हुई है। आपने पीछे किसी शुभ स्थान का दर्शन किया होगा या किसी महात्मा या आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग उसने आशीर्वाद दिया होगा। कई बार सात मूलांक को बुजुर्गों से भी जोड़ा जाता है, जैसे आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या आपकी मदर या ग्रैंड मदर में से कोई गया होगा, उसके बाद साल दो साल के बाद या कुछ दिन के बाद आपके घर में इस कन्या या बालक का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनली इनका
जीवन कैसा रहा। सात अंक केतु से प्रभावित है और भाग्यांक सूर्य है। सात को इंट्यूशन पावर का कारक माना जाता है। सात वाले बड़े वैज्ञानिक, आध्यात्मिक पुरुष और जीवन में ना हारने वाले होते हैं। हमने देखा है कि सात मूलांक वाले हर क्षेत्र में बड़ी प्रतिभा के साथ पाए जाते हैं। इनके अंदर किसी चीज़ की गहराई से समझने की अद्भुत ताकत होती है। इस कारण से फिलॉसफी हो, चाहे मेडिकल में सर्जन हो, चाहे औषधि की गहरी समझ हो, ये लोग आंतरिक कर्मकांडी ना होकर आंतरिक रूप से आध्यात्मिक होते हैं। जब इनका केतु खराब होता है या किसी कारणवश से केतु खराब होता है तो ये धर्म विरोधी बातें करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं उसके पीछे एक गहरी लॉजिक होती है। धर्म के पक्ष में जब ये बात करते हैं तो एक गहरे लॉजिक के साथ करते हैं। ब्लाइंड सपोर्ट या कहिए कि झूठी बातों पर इनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। इंट्यूशन पावर तो इतना अच्छा होता है कि आपके घर ये जो नया बालक आया है, आगे चल के जो चीज़ें ये कहेगा कि ऐसा हो सकता है, उसके होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। घर गाड़ी वाहन की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि परिवार के तरफ से इनको प्रॉपर्टी तो मिलती है, लेकिन अपने दम पर प्रॉपर्टी बनाना, उसका भोग करना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पैदा जब होते हैं तो कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी के अक्सर ये मालिक देखे जाते हैं। अगर नहीं होता है तो इनके फादर जरूर साल 2 साल या 5 साल या 7 साल के अंदर अधिकतम 3 प्रॉपर्टी के मालिक हो ही जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है इनके पिता के पास जो प्रॉपर्टी होती है या तो कूड़ेदान के आसपास होगी, पुलिस चौकी के आसपास होगी, या कॉर्नर का प्लाट इनके फादर के पास कोई ना कोई होता है। नहीं होगा तो कुछ दिन में इनके पिता जरूर उस प्रॉपर्टी को बनाएंगे। हाँ, पिता को या माता को इनके जन्म के साथ, इस कन्या और बालक के जन्म के साथ कई बार देखा गया है कि जीवन में कोई ना कोई ऑपरेशन, कट लगना या कोई ऐसी बीमारी है जो समय समय पर इनको मानसिक और शारीरिक पीड़ा देती रहती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अंक शुभ है, लेकिन ये लोग पैसे को उतना नहीं महत्व देते हैं। ये मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, चीज़ों के पूरे होने को ध्यान देते हैं। किसी कार्य की श्रेष्ठता प्राप्त हो, ना कि उससे क्या आउटपुट आर्थिक आता है, इस तरह का नज़रिया इनका नहीं रहता है। अब अगर हम बात करें कि इनके जीवन में वैवाहिक सुख कैसा होता है, केतु और सूर्य दोनों विवाह के मामले में थोड़े से उदासीन माने जाते हैं। ऐसे तो वैवाहिक सुख अच्छा होता है, लेकिन जीवन में एक आध दो प्रेम संबंध खराब होना या विवाह तय हो के खराब होना, ऐसे बालकों का जब विवाह किया जाए तो कुंडली जरूर मिला के करनी चाहिए, नहीं तो विवाह से संबंधित थोड़ी पीड़ा देखी जाती है। ये बालक विदेश यात्रा करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ये जन्म लेते हैं या जन्म लेने से कुछ दिन पहले माँ बाप कहीं दूर जाके शिफ्ट हो जाते हैं या होने की प्लानिंग होती रहती है। अपने पैतृक जमीन से ये माँ बाप जाके दूर जरूर सेट होते हैं और वहीं पर इन बालक का जन्म होता है या बालिका का, और ये बाद में विदेश भी जाते हैं। काफ़ी दूर की यात्राएँ इनको जीवन में प्राप्त होती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो हमने देखा है कि इनकी समझ गहरी होती है, तो साइंस के क्षेत्र में इनका विकास अच्छा होता है। हाँ, आर्ट के सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो फिलॉसफी इनका और साइकोलॉजी, गूढ़ विद्याएं जिसमें गहरा अनुमान लगाया जा सकता है, उन विद्याओं में इनकी ज़्यादा समझ होती है। स्वास्थ्य में फिर मैंने कहा स्किन की समस्या, इन्फेक्शन एलर्जी की समस्या, इसको खास तौर से ध्यान रखना है। मैंने देखा सात मूलांक वालों के घर में या इस बच्चों को स्वयं चिकन पॉक्स, जिसको देवी जी भी कहा जाता है, माता दाने पड़ना, इस तरह की समस्या इन बालकों में या बालिकाओं में देखा जाता है। हमने स्वास्थ्य की बात की, घर गाड़ी वाहन की बात की, व्यवसाय और नौकरी का विषय थोड़ा सा रह गया है, उस पर बात करते हैं।
ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा महसूस करते हैं। ये अगर नौकरी भी करते हैं तो श्रेष्ठतम कुर्सी तक पहुंचते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि ये बॉस ही बनते हैं। कई बार सिविल सर्विसेज में IAS या बड़ी सर्विसेज निकालने में भी ये सक्षम होते हैं। सूर्य और केतु का संयोग है, ये राजनीतिक रूप से सरकारी रूप से काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जीवन में जरूर एक बार इनका नाम पेपर में निकलेगा या इनकी गाड़ी में झंडा जरूर लगता है। और यही नहीं, इनके घर में भी हो सकता है कि लोगों को पहले सम्मान मिल चुका है। तो मित्रों, मई 2023 में जो बच्चे 7 मूलांक को पैदा हुए उसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की। अगर आपको अपने बच्चे के जन्म के संबंध में पहले से कुछ समय निकलवाना है या कुंडली बनवानी है या जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं। अभी तक आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की है या जिनके घर नई संतान आने वाली है उनके साथ शेयर नहीं किया है, तो निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, सलाह दें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको